तो हाय एवरीवन, आज आप लोग के लिए जो सेकंड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि डेफिनेट इंप्लीकेशन से है, तो हमारे प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंप्लीकेशंस 0 से 2 e की पावर x dx है। ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का इंप्लीकेशंस है, डेफिनेट इंप्लीकेशंस। पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ए कितना मिला है, 0, और बी मिल गया है 2। समझ में आया? तो पहले आंख बंद कर कर एच का वैल्यू निकालो। एच की वैल्यू कितने हो जाएगी, बी माइनस ए अपान में एन, यानी 2 माइनस 0 अपान में एन इज इक्वल टू 2 अपान में एन। इतना हो गया। अब हम जानते हैं, वी नो दैट द फॉर्मूला, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होती है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच, और क्या होती है, एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच और प्लस ए प्लस टू एच प्लस डैश 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 एफ ए प्लस एन माइनस वन एच, यही तो होती है। नेक्स्ट, या तो एक और फॉर्मूला होती है, एन इनफाइनाइट b अपान में a n हो गया, और ये f a प्लस f a प्लस h, और ये हो जाएगा f a प्लस 2 h, और ये हो जाएगा f a प्लस n माइनस 1 h। भैया h में कंफ्यूज मत होना, यहाँ h है, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, लेकिन ये अंदर n है, इसको कंफ्यूज मत होना, एन माइनस वन है, ये अंदर एन है, बाहर एच है, इन सारे में एच एच है। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला ये चाहे वो अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम अप्लाई करते हैं नीचे ही वाला, ज्यादा बेटर रहता है, लिमिट एन माइनस इनफाइनाइट टू माइनस जीरो अपान में एन, और ये हो जाएगा फंक्शन जीरो प्लस ये एफ एच प्लस ये एफ टू एच डैश 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 एफ ए की जगह पर जीरो हो जाएगा, तो एन माइनस वन एच हो जाएगा, होगा। अब हम रखेंगे एच की वैल्यू इन सारे पे, तो रखेंगे तो लिमिट एन इनफाइनाइट टू अपान में एन, ये हो जाएगा एफ जीरो, एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, अभी रखे रहो, ये एफ एन एच की वैल्यू कितना है, टू अपान में एन, ये कितना है बाबू, टू मल्टीप्लाई टू अपान में एन प्लस डैश 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 एफ एन माइनस वन, समझ रहे हो लो, और ये टू अपान में एन। इतना लिखोगे तब एग्जाम में तुमको नंबर मिलेगा, और इन सारी वैल्यू को एक्स के जगह पर रखो, तो लिमिट एच इन फाइनाइट टू अपान में एन, जीरो की वैल्यू रखोगे तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर जीरो पावर हो जाती है तो उसकी वैल्यू वन हो जाती है, तो इसका तो मतलब वन हो जाएगा, प्लस ई के पावर टू अपान में एन प्लस ई के पावर फोर अपान में एन डैश 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 ई के पावर एन माइनस वन अपान में टू अपान में एन, ये हुआ। तो जब भी ऐसी एक सीरीज बनती है तो एक ज्योमेट्री में फॉर्मूला होता है आर एन माइनस वन अपान में आर वन, एक फॉर्मूला होती है। यहाँ पर आर मतलब भी नेक्स्ट टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड करो, हमेशा आर की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, आर इज इक्वल टू ई के पावर टू एन ही आएगा, ना हो तो देख लो इसको डिवाइड करो इससे तो ई अपान में टू एन आएगा, इसको डिवाइड करो इससे कांस्टेंट ही बनता जाएगा। तो वैसे सीरीज का फॉर्मूला होता है ये आर एन माइनस वन अपान में आर माइनस वन। ठीक है, तो इसके आगे जस्ट फर्दर अप्लाई करेंगे तो लिमिट एन इनफाइनाइट टू अपान में एन, और e की वैल्यू कितनी है 2 n अपान में n मल्टीप्लाई n, क्योंकि यहाँ पर n पावर होता है तो 2 अपान में n, तो ये r है, मेरी बातों को ध्यान दो, यहाँ पर e के पावर 2 अपान में n तो ये r है, और उसके साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि n मल्टीप्लाई है माइनस 1 अपान में, ये क्या हो जाएगा e के पावर 2
माइनस वन, यहां तक आप नोट करो तो आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे जस्ट समझो, यहां तक तो मैंने समझा दिया, इसके आगे क्या होगा थोड़ा समझना, ठीक है। जैसे यहां पर लिमिट n इनफाइनाइट 2 अपान में n है, और इसको क्या कर सकते हो, n से n कट जाएगा तो 2 ही तो केवल बचेगा अपान में 1, और 2 अपान में n माइनस 1, यही तो है बाबू यहां पर। तो इस चीजों को ध्यान देना थोड़ा सा। हमारा लिमिट में एक फॉर्मूला होता है, लिमिट में फॉर्मूला ये होती है बाबू, थोड़ा सा ध्यान देना। लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर h माइनस 1, h हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, जो पावर हो वही नीचे पावर आ जाए तो वो लिमिट 1 हो जाती है। देखो इस पे तो अप्लाई होगा नहीं, इस पे कांस्टेंट है लिमिट अप्लाई होगा नहीं, इसी पे n दिखाई दे रहा है ना, तो कौन इसी पे अप्लाई होगा, तो 2 ब्रैकेट e के पावर 2 माइनस 1, और लिमिट कहां अप्लाई होगा, नीचे वाले चीज पे, क्यों, क्योंकि उस पे तो n है ये नहीं है, n इनफाइनाइट ये n है, और e के पावर 2 अपान में n माइनस 1, अगर किसी तरह ये जो पावर है उसके नीचे ला दो तो इस n को क्या इस तरह लिख सकता हूँ, 1 अपान में n लिख सकता हूँ इस n को, yes, भैया ये जाएगा तो ऊपर ही चल जाएगा, बोलो हाँ या ना, yes, ये सोच के देखो, ये 1 अपान इस n को पलट तो 1 अपान n लिख सकता हूँ, फिर पर वही तो चुप हो जाएगा, यानी इसके जगह पर 1 अपान n लिख दिया, लिख दिया, yes, sir। अगर मैं 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दूं और 2 इधर से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, थोड़ा ध्यान दे, तो t e के पावर 2 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट n इनफाइनाइट e के पावर 2n माइनस 1 2 अपान में n मल्टीप्लाई 2, क्या इसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी, जो ये पावर है वही ये है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी, बताओ हाँ या ना, समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 e के स्क्वायर माइनस 1 अपान में 1 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कट गया तो हमारा आंसर तो आ ही गया, ये दिस इज योर आंसर। मेरी बातों को यहाँ पर समझना, मैंने क्या किया था, यहाँ n था उस n को पलट दिया 1 अपान में n कर दिया था, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, क्यों किया, क्योंकि हमें इसको पूरा को 1 बनाना था, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्लास 11th लिमिट चैप्टर्स, तो मैंने उसको यहाँ पर इसको 1 बनाया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 2 था तो इस 2 से इसको कैंसिल आउट किया, जस्ट ओनली कैंसिल आउट इट, द ओनली रिमाइंडर इज, मतलब जो बच गया वो तो यही बचा, इसी चीज को इसी तरह हमारे साथ बने रहे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।